नाज़रीन, वेलकम करती हूँ आपको दुबई की ताज़ा तरीन खबरों में। इंसानियत का दर्द रखने वाले अमराती का शानदार इकदाम, 1 लाख दिरहम की रकम से सैकड़ों कैदियों को वतन वापस भिजवा दिया। ये दुनिया अभी इंसान का दर्द रखने वालों से खाली नहीं हुई। अमारात में भी इंसानी हमदर्दी से लबरेज दिल रखने वाले अफराद मौजूद हैं। इन्हीं में से एक यूसुफ सुल्तान अल अजमानी नामी मुकामी शहरी है, जिसने अपने खर्चे से 1 लाख दिरहम की रकम अजमान पुलिस को दे दी, ताकि इस रकम से सैकड़ों गरीब कैदियों को इनके वतन वापस भिजवाने के लिए मुफ्त टिकट की फरहमी की जा सके। अल अजमानी की जानिब से ये शानदार इकदाम मुतहद अरब अमारात के 49वें योम वतनी के मौके पर किया गया। बढ़ते है अगली खबर की तरफ। शारजा में गैर मुल्की नौजवान ऊंची बिल्डिंग से गिरकर जा बहक। शारजा में एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जिसके नतीजे में एक गैर मुल्की नौजवान शदीद जख्मों की ताब ना लाते हुए जा बहक हो गया है। शारजा पुलिस के मुताबिक 28 साल बांग्लादेशी नौजवान एक जेरे तामीर विला की दूसरी मंजिल से गिरकर शदीद जख्मी हो गया था। ये वाकया 12 दिसम्बर को अलसीबा के इलाके में पेश आया था। ये नौजवान कई रोज तक जेरे इलाज रहने के बाद दम तोड़ गया। बांग्लादेशी नौजवान को शदीद जख्मी होने पर अलकासमी अस्पताल ले जाया गया था, जहां वो ICU में कई रोज तक जिंदगी और मौत की जंग में मुब्तला रहा। आखिरकार इसका गुज़िश्ता रोज इंतकाल हो गया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारत से दुबई गैर कानूनी तौर पर लाखों रियाल पहुंचाने की कोशिश नाकाम बना दी गई। तफसीलात के मुताबिक दुबई जाने वाले भारतीय मुसाफिर को गैर कानूनी तौर पर 19 लाख रुपए के सऊदी रियाल ले जाने के इल्जाम में दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम को इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3 पर सिक्योरिटी चेकिंग के दौरान रोका गया था। चेकिंग के दौरान भारतीय शहरी के बैग से 19 लाख रुपए मालियत के 1 लाख सऊदी रियाल बरामद हुए थे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अमराती वजीर आजम की हौसला अफजा टिकटॉक वीडियो के चर्चे। मुत्तहिदा अरब अमारात के वजीर आजम और नायब सदर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने हाल ही में टिकटॉक ज्वाइन की और एक हौसला अफजा कहानी शेयर की है। गैर मुल्की खबर रिसा इदारे के मुताबिक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने टिकटॉक पर एंट्री देते हुए एक हौसला अफजा कहानी शेयर की। इस कहानी में उनकी अपनी आवाज इस्तेमाल हुई है। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम की जानिब से टिकटॉक पर शेयर की गई पहली पोस्ट में एक शेर और गजल की कहानी सुनाई गई। उन्होंने कहा कि दोनों शेर और गजाल जागते हैं और हर रोज अपनी बका की कोशिश करते हैं, चाहे वो शिकारियों से दूर रहने के लिए हो या खुराक की तलाश के लिए हो। जब आप जागते हैं तो बेहतर है कि आप दौड़ना शुरू कर दें। वीडियो में दुबई के हुक्मरान इस बात की वजाहत करते हैं कि यूं वो अपनी टीम को बेहतर काम करने की मुसलसल तरगीब देते रहते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अजमान पुलिस व्हाट्सएप के जरिए आवाम को खिदमत फराहम करेगी। अजमान पुलिस ने इतवार के रोज आवाम से राबता कायम करने के लिए व्हाट्सएप सर्विस मुतारिफ करवाई है। अजमान पुलिस के जनरल कमांडर की जानिब से व्हाट्सएप के जरिए किसी भी वजाहत के लिए फरहाम करदा खिदमात और मालूमात 24 घंटे किसी भी वक्त कहीं भी आसानी से दस्तियाब होगी। नाज़रीन, न्यूज़ सुनने का शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि न्यू आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।